भोग बना लगा दिया है भगवान जी को। ये वाली सब्जी में ना प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, मटर पनीर की सब्जी में है, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ हम मटर पनीर के लिए ये सब चीज़ें फ्राई कर रहे हैं, टमाटर, मिर्च और ओनियन। हमारी मटर उबल रही है मटर पनीर के लिए। इधर जो है मटर उबलने के बाद में इधर फ्राई हो रहा है ये पनीर, कम तेल में नॉन स्टिक पे सेक रहे हैं इसको। ये ग्रेवी पिसके आ गई। ये पनीर हमारा सिक के रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर कम तेल में बनाना हो पनीर तो इस तरीके से आप सेक सकते हैं। शिमला मिर्च, मटर, गाजर, गोभी सब कट गई, शिमला मिर्च रह गई थी, उसे स्वाति काट रही है। और बता दूं कि आज मेरे हस्बैंड का है बर्थडे, तो दोस्तों आशीर्वाद देना, लंबी आयु का, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देना सब मिलके। सब्जी बना रही है स्वाति, और स्वाति सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है। दोनों सब्जियां स्वाति बनाएगी, बस मैं तो पूड़ी बनाऊंगी, बाकी जो है स्वाति बनाएगी दोनों सब्जी। यहाँ बन चुका है हमारा बूंदी डाल के रायता, मास्टर शेफ स्वाति कौशिक। वास्तव में दोस्तों सब्जियाँ बहुत ही अच्छा बनाती है, बड़ी टेस्ट, मेरे हाथ में इतना टेस्ट नहीं है जितना स्वाति के हाथ में टेस्ट है। बहुत ही अच्छा सब्जी बनाती है, तो इसलिए सब्जी इसी से बनवाऊंगी। स्वाति जीरा राइस, इसको जीरा राइस ही अच्छे लगते हैं, तो जीरा राइस बना रही है। एक तरफ बन रही है मटर पनीर की सब्जी, और पनीर मैंने घर का ही निकाला, वरना हम अमूल का यूज करते हैं और किसी का करते ना ही। ये मिक्स वेज भी छुप चुकी है, वो बना रही है स्वाति। देखो सैफ, और ये लुक है हमारे मटर पनीर का, कितना टेस्टी बना है, देखने में भी यम्मी लग रहा। अभी कोई हरा धनिया वाला ना आया, आएगा तो ले लूंगी, इंतजार में बैठी हूँ। ये हमारी मटर पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, और सब्जी देखो काफी मसालेदार बनने वाली है, तड़के वाली सब्जी, खड़े मसाले भी डले हैं इसके अंदर, देखने में तो काफी लग रही है तीखी बनेगी, लेकिन पूड़ियों के साथ तो थोड़ी सी तीखी सब्जी अच्छी लगती है। चावल हमारे बन चुके हैं, कुकर अभी खोलेंगे। हमारी सारी चीज बन के हो चुकी है तैयार, बस पूड़ी सेकने रह रही है। मटर पनीर, रायता, मिक्स वेज, राइस, जीरा राइस बन के हो चुके हैं तैयार, और बस अब शाम के टाइम मैं सेकूंगी पूड़ी, क्योंकि आने वालों का इंतजार है, गरम गरम पूड़ी सेकूंगी, बाकी काम सारा हो चुका है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो हैप्पी बर्थडे तो इनका है, लेकिन नए कपड़े मैंने पहने हैं। हैप्पी बर्थडे के लिए पहने मैंने नए कपड़े। पूरा अख्तियार है तुम्हें मेरे हैप्पी बर्थडे का। चलो पापा जी खिलाओ, मम्मा खिलाओ, खिला दो हाथ मम्मी को, मम्मा खिलाओ, मम्मा को खिलाओ, व्हाइट वाला पार्ट थोड़ा सा खिला देना, इतना बड़ा, इतना छोटा सा खिलाओ, इतना बड़ा नहीं खा पाऊंगी मैं। अरे मना पूरा तेल नए कपड़े आई, मम्मी के खराब हो जाते बिना बिना तू। अरे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, वो खा लेंगी पापा के साथ ही बैठ, बस साथ बैठ खा लेंगे। भोग बना लगा दिया है भगवान जी को। ये वाली सब्जी में ना प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, मटर पनीर की सब्जी में है, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारी पूरी थाली, जिसमें जीरा राइस है, जीरा राइस, रायता, खीर, आलू मटर, नहीं ये मटर पनीर है, आलू मटर नहीं है। चावल भी अच्छे होते अगर बासमती होते। बासमती है, बासमती है चावल, मोटा बासमती है। नहीं नहीं पानी मैंने ज्यादा लगा दिया। तो ये हमारा खाना आप सबके लिए भी है, ये खाना है टेस्टी, आप टेस्टी। सबके लिए दोस्तों बहुत टेस्टी खाना बनाया, आप खा के देखो। सही है, मम्मी पूछ रही है। अच्छा आवाज नहीं आई मुझे तो। अरे कैमरा हटा ले भाई, सबसे अच्छी बनी पूरी। ठीक है, तो मम्मी कह रही मैं ना मिठाई खिला देती हूँ पापा के लिए। अरे तुम्हारी मम्मी ने अभी तक मैं जो केक लाया हूँ अभी भी लगा हुआ है ये रहा। केक तो नवनीत लेके आया था, केक लेके आया था नवनीत। मम्मी को पापा से, हैप्पी बर्थडे टू यू, इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करो और व्यू करो, अगले बर्थडे में मिलते हैं फिर पापा के।